क्यूब क्या होता है, अगर किसी भी नेचुरल नंबर का हम लोग 3 times उसी में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो उसने जो है उस नंबर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया 2, ठीक है, उसका क्यूब निकालना है, इसका जब क्यूब निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसी में 3 times करा दिया 3 बार, तो 2 2 4 4 2 8, ये हमारा क्या निकल के आया, इसका क्यूब। और क्यूब जब भी लगाया जाता है तो इसके हम लोग ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगा देते हैं, ठीक है, क्यूब कर देते हैं। ये इसका क्या हो गया, क्यूब, किसी भी नंबर का। अगर मैंने इसी नंबर में अगर पॉइंट में ले लिया, सपोज हमने ले लिया 1.2 ले लिया, इसका क्यूब निकालना है, तो सेम वही कंडीशन इसमें भी करेंगे, 1.2 × 1.2 × 1.2, ठीक है, तो 12 12 144 होता है स्टूडेंट, कराएंगे 1728। अब देखिए हम डेसिमल वाली बात, तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट का लगा, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ मिला, तो ये हमारा 1.2 का होल क्यूब जो निकल के आया वो 1.728 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्यूब, परफेक्ट क्यूब कैसे पता करें, किसी भी अगर नंबर के हम लोग जो प्राइम फैक्टर है, अगर वो प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट के फॉर्म में, ट्रिपलेट का मतलब उसका जो कंप्लीट हमारे जो बनेंगे 3 3 के पेयर टाइप के बनेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने क्या ले लिया, वही ले लिया 1728, ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1728 के फैक्टर करेंगे, 1728 के फैक्टर कर लीजिए 1728 आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे ओपन करिए, एक्सरसाइज पे क्या दिया हुआ है, 4 8 4 में दिया है एवेल्युएट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में 8 का होल क्यूब, 8 का क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग 3 times ओपन करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कभी कभी बाई मिस्टेक्स 8 का मल्टीप्लाई 3 में करा, तो ये हमारा रॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, इसका मतलब उसको 3 times इसी का नंबर का इसी में 3 times मल्टीप्लाई, 8 8 64 × 8 कराएंगे 512, ठीक है। सेम ऐसे हम लोग ले लें 21 का लेंगे, ठीक है, तो 21 × 21 × 21, 21 × 21 = 1 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 × 21 ×
सेम वही मैंने अभी बताया डेसिमल वाला। डेसिमल वाला देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट 3.5 का होल आप, ठीक है देखिए। तो 3.5 तो 3 टाइम्स ओपन कराएंगे, 3.5 अब हम क्या करा लें, पहले 3.5 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1.25 इंटू या डायरेक्टली 3.5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5 या 25 हुआ, 5 या 10 प्लस 2 12 हो गया 1, 5 या 10 1 11 1 हुआ, 5 या 5 1 6, 3.5 या 15 1 आया स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 या 6 1 7, 3 या 6 ऐड करेंगे 7 8 12 4। अब देखिए डेसिमल कितने थे, 1 2 3 देखते हो, 1 2 3 तो 42.875 हमारा इसका क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में, उसका हमें क्यूब करना है, ठीक है। जैसे सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका 10/11 का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 3 टाइम्स ओपन करना है, तो 10/11 × 10/11 × 10/11, ठीक है। 10 × 100 × 10 = 1000 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 121 × 11 कराएंगे 133, ठीक। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर का क्यूब। अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर नंबर को तो कैसे किया, मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 3/10 का होला 10 × 10 + 3 × 13/10 का होला, ठीक है। इसको 3 टाइम्स ओपन करेंगे तो 13/10 × 13/10 × 13/10, ठीक है। 13 × 13 कराएंगे 169 × 13 अपान उसका कराएंगे तो 1000, ठीक है। अब हम 169 का मल्टीप्लाई 13 के साथ कराएंगे, 3 × 9 = 27, 3 6 = 18, 19 and 20, 3 1 = 3 और कितना जाएगा 2 5, 1 9 = 9, 1 6 = 6, 1 7 = 9, 1, ठीक है। 1 9 = 7, 1 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 1 होल 3/10 का क्यूब। अगर हम इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहें तो 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार क्लियर कर लो, 327 × 3 = 18 और 19 × 2 = 3, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, इन केस आप अगर परफेक्ट क्यूब है तो बताइए किस नंबर का वो परफेक्ट क्यूब, वो नंबर बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 125, हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 125 के फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5, ये किसका ट्रिपलेट बन रहा है हमारा, क्या 5, 3 कंप्लीट हमारे बन रहे हैं नंबर, तो इसका ये 5 हो गया। इसका मतलब ये किसका 5 क्यूब होगा, 125 इज द क्यूब ऑफ 5, ठीक है। वो नंबर हमारा 125 × 5, ठीक है। ऐसे दूसरे भी हमारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ए इवन नंबर, कौन सा इवन नंबर का क्यूब है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया उसको पहले ये तो चेक करें कि वो हमारा कंप्लीट पेयर ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो 216 के हम फैक्टर कर लेंगे, 216 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
पर
216 is a सेम क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है, उसमें ऑड नंबर का बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, सेवन ये बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1, 2, 2, 3 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट। किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा परफेक्ट? 1, 3 फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 3, 2, 3 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12 3 4 12 3 बन जाता है, ठीक। अब 3 से 3 बन जाए, 3 1 3 4 12 2 3 7 20, ठीक है। 3 4 12 2 3 9 20, हमने क्या किया? 7 7 29 7 20, हमने 1 3 2 3 के क्या कर लिए? टाइम फैक्टर कर लिए। 1 3 2 3 के जो टाइम फैक्टर आए तो 3 3 टाइम्स आया एंड 7 2 टाइम्स आया। देखिए इसका तो कंप्लीट रिजल्ट बन रहा है हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, बट 7 का नहीं बन रहा। अगर इसमें 1 7 और मल्टीप्लाई करा तो ये कंप्लीट रिजल्ट बना लेगा। तो इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए? 7। सेवन से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये इसका कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर में हमसे सिर्फ ये पूछा गया था किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आंसर हमारा हुआ कि 7 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बट अगर आपसे ये भी पूछ देता है किस नंबर को हो जाए तो आप देख लीजिए, इसे 7 जब करा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रिपलेट बना लेंगे, इसका एक हो जाएगा कि इसका एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, 7 कराएंगे, इसका मतलब 21। अगर 7 से करा दें तो 21 का क्यूब बन जाएगा। सेम ऐसे 8, 9 है, 9 वाले में डिवाइड वाले में, डिवाइड में क्या करेंगे स्टूडेंट? जो भी हमारा दिया हुआ, अगर सपोज यहाँ पर हमारा 7 दिया था, अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 2 7 ही है, 7 × 7 क्या 49, इसका मतलब 49 डिवाइड करा दिया जाएगा, ये कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे